आरएसएस के लोग जो उस वक्त बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में कांग्रेस के अंदर घुसे हुए थे ना, एक इंसान का तो मैं नाम ही लेके बता सकता हूँ, नरसिम्हा राव। लेकिन वेस्टर्न यूपी में तो लोगों को बहुत ज्यादा होशियार हो जाना चाहिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के, क्योंकि वहां पे कुछ बड़ा आरएसएस करने वाली है। गुजरात में भी कांग्रेस अगर कर्नाटक वाला अपना फेस फॉरवर्ड करेगी, एससी एसटी माइनॉरिटीज और ओबीसी को आगे करेगी, क्योंकि ये देश की 90% जनता है, तो गुजरात में भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। सारा जो कसूर था वो कपिल मिश्रा का था, सारा कसूर आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स का था जिन्होंने हमले किए पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर, और टीवी और दूसरे माध्यमों से एक का जो एक माहौल बनाया गया वो क्या कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ही कुछ गड़बड़ की हो। 100% मुझे लगता है कि नए केंद्र बनाने में कामयाबी हासिल हो पाएगी। उत्तर प्रदेश से जो कांग्रेस का सफाया हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि ये जो एक तरह की आरएसएस लॉबी कांग्रेस के अंदर मजबूत थी, उसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से ऐसे काम कराए जिसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी मजबूत हुई, और वही काम अब राजस्थान में बहुत मजबूती के साथ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूती के साथ हो रहा है जी। और मुझे बहुत बड़ा डर है कि जो आरएसएस के लोग कांग्रेस के अंदर घुसे हुए हैं वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हरवाने के लिए और आरएसएस का साथ देके बीजेपी को जितवाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अगर कांग्रेस की हाईकमांड उनको नहीं पहचानेगी, खास तौर पर राहुल गांधी साहब और खड़गे साहब, तो बहुत ज़्यादा हालात ऐसे हैं कि आरएसएस की सरकार राजस्थान में बन जाएगी। वहाँ पर जो यूपी में जो हालात संभले हुए हैं ना, सिर्फ वो इसलिए संभले हुए हैं कि कांग्रेस के अलावा भी वहाँ दो मजबूत ताकतें हैं, बसपा और सपा की, वरना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि बीजेपी को वहाँ से हटाया जा सकेगा। तो जो बसपा की ताकत है, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, जो बसपा एक पार्टी ऐसी है जिसने आरएसएस और बीजेपी को अपनी जो वैचारिक उनकी शक्ति है उससे रोक रखा है। तो ये राजस्थान में ऐसा नहीं है, तो राजस्थान में तो इतनी मजबूती से आरएसएस पैट कर जाएगी कि, और वो गुजरात के एकदम नेक्स्ट डोर है, गुजरात में भी आप लोग देखेंगे कांग्रेस के अलावा कोई थर्ड फोर्स नहीं है, तो वहां पे कांग्रेस हरा ही नहीं पा रही क्योंकि वो अपना एजेंडा नहीं बदल पा रही। गुजरात में भी कांग्रेस अगर कर्नाटक वाला अपना फेस फॉरवर्ड करेगी, एससी एसटी माइनॉरिटीज और ओबीसी को आगे करेगी, क्योंकि ये देश की 90% जनता है, तो गुजरात में भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा, बीजेपी को एक एक सीट लाना भारी पड़ जाएगा, लेकिन कांग्रेस का एजेंडा वो नहीं है। या कोई थर्ड फोर्स गुजरात में उभरेगी तो वो बीजेपी और आरएसएस का इस जो उनकी जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको हराएगी। मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी दे सकता हूँ मुरादाबाद का। मैं बहुत दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि जो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं और ख़ास तौर पे जहाँ पे मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ऐसी पॉपुलेशन रखते हैं, इतनी तादाद रखते हैं कि वो 100 में से 100 सीटें जिता दें, ये कॉम्बिनेशन, वहाँ पर आरएसएस और बीजेपी बहुत ताकत लगा के यूपी में बहुत मेहनत करके काम कर रही है, एक एक बूथ लेवल पे काम कर रही है। वहाँ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वोट कटवाए जा रहे हैं, वहाँ मुस्लिम समाज के वोट एक सिस्टमेटिक तरीके से कई सालों से कटवाए जा रहे हैं, और वहाँ पे एक कम्युनल एजेंडा, आप लोगों को दुनिया ने देखा है कि रामपुर जैसे गढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकल के आ रही हैं, ये कोई सपने में भी सोच सकता है ये कैसे हो रहा है। अभी उसका अगला हमला मुरादाबाद पे हो चुका है, मैंने बहुत पहले से आपको बता भी रखा था मुरादाबाद का नाम लेके। अब मुरादाबाद पे ये जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है वो एक 1980 के दशक की एक रिपोर्ट टेबल करने जा रही है, जो 1980 में जो हमले हुए थे ईदगाह के ऊपर, जो गोलियां चलाई गई थी भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, उसकी एक रिपोर्ट, किस कौन सी सरकार थी उस समय, मैं वो समय बता रहा हूँ कि आरएसएस के लोग किस तरीके से कांग्रेस की सरकारों से गलत काम करवा रहे थे 1980 के दशक से, तो उसको रिवाइव किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट लाई जा रही है जिसमें मुसलमानों को दोषी ऐसा अखबारों में छपाया जा रहा है कि उस जो हमले हुए थे उसके दोषी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जैसी कोशिश अमित शाह जी ने दिल्ली के दंगों के दौरान भी की, लेकिन हम लोगों ने उनको मजबूती के साथ रोका। यहाँ पे गुजरात में यह फॉर्मूला
बिल्कुल अच्छी तरीके से वो लागू कर चुके हैं कि हमले मुसलमानों के ऊपर खुद कराए और दोष उसका मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ही मर दिया। ये फार्मूला 1980 के दशक से या उससे भी पहले से आरएसएस के लोग कांग्रेस की सरकारों से और दूसरी सरकारों से भी कराते रहे हैं। तो मुरादाबाद के लोगों को बहुत ज़्यादा होशियार होना हो जाना चाहिए, रामपुर के लोगों को बहुत ज़्यादा होशियार हो जाना चाहिए, बिजनौर के लोगों को बहुत ज़्यादा होशियार हो जाना चाहिए और जो अमरोहा के लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा होशियार हो जाना चाहिए। ये सब जो बदायूं, ये सब एरिया है वेस्टर्न यूपी का खास तौर पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ईस्टर्न यूपी से पहले ये फार्मूला वो वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा ताकत से अपना रहे हैं। ये सहारनपुर के लोगों को बहुत ज़्यादा होशियार हो जाना चाहिए और जो आजमगढ़ के लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा होशियार हो जाना चाहिए। ईस्ट में भी ये शुरू होगा काम, लेकिन वेस्टर्न यूपी में तो लोगों को बहुत ज़्यादा होशियार हो जाना चाहिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के, क्योंकि वहाँ पे कुछ बड़ा आरएसएस करने वाली है कुछ और ये बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है कि वहाँ पे अब मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है जो कि जो सरकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको रोक सके, उनके आगे हथियार ना डाल दे, ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संगठन है वो अभी ट्रेनिंग कैंप्स, संविधानिक तरीके से संविधान को समझना और संविधान के इसका इस्तेमाल करके जो ये अत्याचार करती है भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी या भ्रष्ट सरकारी अधिकारी या जो वोट कटवाते हैं उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेने का बहुत बड़ा मिशन वेस्टर्न यूपी से शुरू करने वाले हैं। उसके लिए मैं सभी लोगों से आपके जरिए से भी आह्वान करूँगा कि हमें कॉन्टैक्ट करें, हमें अच्छे लोगों की, मजबूत और बहादुर लोगों की ज़रूरत है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के वेस्टर्न यूपी में तुरंत। सर, 43 साल तक जिस रिपोर्ट को साझा नहीं किया गया, 43 साल तक जिस रिपोर्ट को जो है पर्दे के पीछे रखा गया या उसको जो है एक फाइल बनाकर रखा गया, 43 साल के बाद वो रिपोर्ट जब बाहर आ रही है तो ये भी कहा जा रहा है कि क्यों एक तबके को इसकी परेशानी हो रही है, क्यों ये रिपोर्ट बाहर आने से लोग डर रहे हैं? देखिए, खुद ही लीक करा रहे हैं खबरें जी, खुद ही खबरें लीक करा रहा है ना कि उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को दोष दिया गया। पहली बात तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को और जो उनकी लीडरशिप है, जो कोई भी कमीशन बैठती है उसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन पूरी ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये एग्जांपल एक के बाद एक के बाद एक मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आज फिर उस बात को दोहराना नहीं चाहता। बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, अब ज्ञानवापी मस्जिद के उदाहरण हमारे सामने है। हर मुकदमा किस तरीके से लड़ा जाता है और हारा जाता है, कौन कौन सी तंजीमें इस काम को करती हैं, ये काम कोई आज से तो हो नहीं रहा है, पहले नज़र नहीं आता था, अब हम जैसे मुट्ठी भर लोगों की वजह से इनके गंदे और घिनौने कारनामे कुछ कुछ लोगों के सामने आ रहे हैं, तो एक पब्लिक ओपिनियन इन जो बड़े सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनके खिलाफ भी बन रहा है और उनकी भी असली चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। तो ये काम पहले से ही होता जा रहा है, तो दिल्ली दंगों में भी क्या होता, मैं तो लेटेस्ट एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ ना, सारा जो कसूर था वो कपिल मिश्रा का था, सारा कसूर आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स का था जिन्होंने हमले किए पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके, और टीवी और दूसरे माध्यमों से एक का जो एक माहौल बनाया गया वो क्या कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ही कुछ गड़बड़ की हो, उन्हीं के ऊपर झूठे मुकदमे बना दिए गए, वही लोग ज़्यादा मरते हैं और उन्हीं के ऊपर मुकदमे बना दिए जाते हैं, लेकिन हम लोगों के मुट्ठी भर लोगों ने मिल के वो चीज़ रोक दी ना। तो यही काम हर जगह करना पड़ेगा, हमें और लोगों की ज़रूरत है जो हम संविधानिक और कानूनी तरीक़ों से इस साजिश को नाकाम कर सकें और असली जो सच्चाई है कि आरएसएस और बीजेपी पाकिस्तान और चाइना से मिलके ये हमले दंगे कराती है और लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे तोड़ती है ताकि पाकिस्तान और चाइना इसका फ़ायदा उठा सकें और भारत को तोड़ सकें। ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश को हम लोग जैसे दिल्ली दंगों के टाइम रोका, वैसे हम अभी वेस्टर्न यूपी में रोकने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं। आरएसएस के लोग जो उस वक्त बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में कांग्रेस के अंदर घुसे हुए थे ना, एक इंसान का तो मैं नाम ही लेके बता सकता हूँ, नरसिम्हा राव जी। कांग्रेस का प्रेसिडेंट हटवाने में सबसे बड़ा रोल मेरा था, अब आज कोई भी उसका क्रेडिट लेता रहे, बहुत सारे लोग मेरे कामों की वजह से कांग्रेस मेरे कामों को भुना के बहुत बड़े बड़े ओहदों पे हैं कांग्रेस पार्टी में, वक्त आने पे उनका भी मैं कच्चा चिट्ठा सबका खोलूंगा कि कौन कौन लोग नरसिम्हा राव के साथ थे और हम लोगों के खिलाफ थे जब मैं कांग्रेस पार्टी में था और आज वो किस किस मलाईदार पद पे बैठे हुए हैं। मगर इशू ये नहीं है, 1984 में
जब हरिमंदिर साहब पे हमला हुआ था, तो एक व्यक्ति गया था वहां पे, उसका नाम था नरसिम्हा राव। वही व्यक्ति जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, वही मंत्री व्यक्ति प्रधानमंत्री था, वो आरएसएस का एजेंट था। और ये 1980 में जो ये दंगे इस तरह के होते थे वो भी बहुत सारे, बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया, कौन डीएम था वो, इस पर रिसर्च करनी चाहिए। कांग्रेस की जो हाई कमांड है उसे भी रिसर्च करनी चाहिए, कौन कौन लोग थे वो सीनियर लोग जो राजीव गांधी जी के एकदम क्लोज थे, जिन्होंने ये साजिश करके ये काम कराया था और बीजेपी को 200 से लेके आज 300 से ऊपर सीटें दिलवाने में कौन कौन लोग कांग्रेस के शामिल थे, किसको, प्रणब मुखर्जी साहब को भारत रत्न दिलवाया गया, किसने दिया, आरएसएस ने दिया ना। तो उनके चेहरे आज भी वैसे ही लोग राहुल गांधी के चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनका, मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ फोन की सीडीआर निकाल के ही देख लेंगे राहुल गांधी जी तो नजर आ जाएगा कि किस तरीके से असली साजिशकर्ता उनके चारों तरफ हैं आज भी। और कर्नाटक में भी मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा है कि अब जो वहां पे जो साजिश चल रही है आरएसएस की, वो इतने बड़े गेन को कांग्रेस पार्टी के खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, नंबर वन उनकी उनकी उनका हक बनता है, नंबर टू ओबीसी कम्युनिटी का बनता है। अगर ऐसा नहीं होगा, और ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात, दोनों से ज्यादा तादाद मुस्लिम्स की है सर, 13% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की भी नहीं है और ओबीसी की भी नहीं है, 13% है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो बात है वो है। तो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की भी कर दी है एक साहब ने, मैं उसी पे आ रहा था। सिर्फ चीफ मिनिस्टर तक बात नहीं रुकनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर के बाद जो ये कम्युनिटीज हैं, एससी एसटी लिंगायत कम्युनिटी माइनॉरिटीज, इन इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया, तो इनको उसी हिसाब से इनकी परसेंटेज के हिसाब से कम मंत्रालयों में जो चेयरमैनशिप होती है या दूसरे निकाय होते हैं सरकारी, सरकार से जो जो फायदे पद दे के लिए जा सकते हैं वो आसमान से लेके, अच्छा टॉप की पोजीशन से लेके, टॉप पोजीशन से लेके और ग्राउंड जमीन की ग्रास रूट लेवल तक देना पड़ेगा। अगर नहीं देगी कांग्रेस पार्टी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आरएसएस और बीजेपी उसी तरीके से निकल जाएगी जैसे चंद जो चंद्र ग्रहण होता है ना, या सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा सूर्य को निकल जाता है ना, वैसे ही आरएसएस फिर कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से निकल जाएगी और सारी अपोजिशन पार्टियों को निकल जाएगी, जब तक जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का फॉर्मूला नहीं लगाएगी कांग्रेस।